अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सौवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्व मंगल मांगल्यम् सर्व कल्याणकारकम् प्रधानम् सर्व धर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। दस लक्षण धर्मों की चर्चा प्रारंभ की है, उसमें सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म। ये दस धर्मों की चर्चा बहुत प्रसिद्ध विषय, हर वर्ष चर्चा में तो आता ही है, लेकिन हमारे प्रतिदिन के जीवन का भी अंग है। माने इन विषयों पे तो जितना ज्यादा सोचा जाए, जितना चिंतन किया जाए, उतना कम है, क्योंकि जो दसों ही धर्म हैं वो मूल रूप से तो मुनिराजों के कहे हैं, लेकिन श्रावक अपने अपने स्तर पर जितना जहां बन पाता है उतना इनको प्रकट तो अवश्य कर सकता है। प्रकट किया हो तो उनको वृद्धि करेगा, पूर्ण करेगा। लेकिन इन दस धर्मों में चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध परिणति, उसकी मुख्यता से सारा कथन है। और यहाँ पंडित सदासुख दास जी ने दसों धर्मों का बहुत सुंदर वर्णन लिखा है, तो उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। कल जहां तक पढ़ा था उससे आगे देखेंगे। देखिए, क्षमा अर्थात पृथ्वी, उसके समान सहने का स्वभाव होना वह क्षमा है। अपने सम्यक स्वरूप को, हित अहित को समझकर असमर्थों द्वारा किए हुए उपद्रवों को आप समर्थ होकर भी राग द्वेष रहित होकर रहना, विकारी नहीं होना, उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। पृथ्वी को भी क्षमा का भंडार कहते हैं। पृथ्वी को क्यों कंपेयर किया इसके रूप में? क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी सब सहन कर लेती है, जितना भी बोझा हो, कुछ भी हो, उसका सहने का स्वभाव है, ऐसे ही क्षमा में जीव सहन करता है। लेकिन अब वो सहन मतलब वो रोने वाला सहन नहीं होता कि अब क्या करे, जैसी परिस्थिति है सहन करो सहन करो, अपना उदय है, क्या कर सकते हैं। तो वो एक सहन करना, वो भी एक सहन करना होता है, वो मजबूरी वश होता है। लेकिन यहाँ तो सम्यक स्वरूप को, हित अहित को समझ कर असमर्थों द्वारा किए हुए उपद्रवों को आप समर्थ होकर भी राग द्वेष रहित होकर सहना। सम्यक स्वरूप को समझा तो जिस जो क्रोध कर रहा है वो मुझे क्रोधी नहीं दिखाई देगा, वो जिस पर क्रोध कर रहा है वो मैं नहीं हूं, और उसके बाद फिर अपने आप ही क्रोध उत्पन्न नहीं होता। और फिर भी कदाचित होता हो तो उसमें भी फिर और विचार करने पर कह रहे हित अहित को समझ कर कि इस क्रोध द्वारा किसका हित होने वाला है, इसमें तो सामने वाले का तो अहित हो ना हो मेरा अहित पहले होता है। क्योंकि टोडरमल जी साहब तो इसको ऐसा कहते हैं, क्रोध के उदय में दूसरे का बुरा करना चाहता तो है, परंतु बुरा होना भवितव्य के अधीन है। मैंने आज किसी का मैं बुरा चाहूं तो उसका बुरा हो नहीं हो वो तो उसके पुण्य पाप के अधीन, लेकिन मेरा तो उस समय नुकसान होता ही है। कर्म बंधेंगे, पाप लगेगा, वो उदय में आएगा, वो तो बहुत बात की बात है। उस समय मुझे आकुलता होती है तो मेरा तो अहित हो गया। फिर कह रहे हैं वो असमर्थों द्वारा किए हुए उपद्रव, जो असमर्थ होते हैं वे ही उपद्रव करते हैं, और जो उपद्रव करते हैं वे असमर्थ होते हैं, और जो समर्थ होते हैं वे दूसरों पे उपद्रव नहीं करते। अब ये थोड़ी उल्टी परिभाषा लगेगी, हमें तो ऐसा लगे कि नहीं, जो ताकतवर होगा, जो समर्थ होगा, वही तो किसी को कुछ कर सकता है। नहीं, जो क्षमा वीरों का भूषण है,
क्रोध करना कायरों के काम है। तो जो दूसरों को क्रोधित, दूसरों पर क्रोध करे, माने वो हार चुका है ऑलरेडी, वो असमर्थ हो चुका है, वो उस परिस्थिति को देख नहीं पाया, झेल नहीं पाया, समझ नहीं पाया, और फिर जो मन में आया वो करने लग जाते हैं। तो हमारे साथ भी जब जब क्रोध होता है तो हम असमर्थ हुए, वो जिस पे किया जा रहा है वो असमर्थ नहीं है, वो तो सहन कर लेके अगर जीत जाता है, अगर कोई रिएक्शन नहीं देता तो फिर तो वो समर्थ कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो कह रहे असमर्थों द्वारा किए हुए उपद्रवों को आप समर्थ होकर भी मतलब यदि अपने पास ऐसा कोई ताकत ना हो तब तो सहन करते ही हैं, लेकिन जब ताकत हो प्रतिकार करने की, शक्ति हो और फिर भी ना करे, और राग द्वेष रहित होकर रहना, सहना, विकारी नहीं होना, उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। अब सामर्थ्य होने पर भी राग द्वेष नहीं करना। अब मुनिराज पार्श्वनाथ का उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध है, उनके पास तो इतनी रिद्धियां भी थी ऐसी, और वे चाहते तो लेकिन ना तो उनको कभी ऐसी इच्छा हुई और ना उनको कोई तकलीफ हो रही थी, तो लेकिन उनकी इच्छा हो तो वे तो एक आंख ऐसे उठाकर देखते या कुछ ऐसा करते तो स्वयं ही उस सारे उपसर्ग को दूर कर सकते थे, लेकिन उनको वो उपसर्ग लगता ही नहीं था, ना तो उनको कोई राग द्वेष था उससे। और जिनने रक्षा करते हुए जो दिखते हैं, जैसे धर्मेंद्र पद्मावती का जीव, वो आए, उन्होंने आकर के कुछ मदद की, ऐसा दिखाया जाता है कि नहीं नहीं उन्होंने तो अपनी भक्ति तो दिखाई कि नहीं, कि हाँ ठीक है उनकी भक्ति थी, अच्छा किया, लेकिन पार्श्वनाथ मुनिराज को उनकी जरूरत नहीं थी, तो वे तो राग न इनसे राग न उनसे द्वेष, न तो वो संवर नामक देव से द्वेष था जो कमठ का जीव, और न इनसे राग हुआ था, विकारी नहीं होना उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा है कि ये उत्तम क्षमा होनी चाहिए, ऐसी क्षमा नहीं चलेगी कि जब वो 10 लक्षण पूरे होते हैं तो सबको क्षमा कर दिया लेकिन जिसके साथ वैर था उसको नहीं किया। उत्तम क्षमा में तो सम्यक दर्शन के साथ होता है, जिस जीव को सम्यक दर्शन है माने 7 तत्वों का निर्णय है, अब उसको अपना क्रोध बुरा लगता है, उसको अपना क्रोध विभाव जैसा लगता है, वो क्रोध जीतने के उपाय ढूंढेगा, क्रोध को छिपाने के नहीं। अब एक क्रोध की चर्चा इसलिए कर रहे क्योंकि यहाँ क्षमा का प्रकरण है, लेकिन उसका सारा प्रयत्न इस दिशा में रहेगा कि मैं इसको कैसे जीतूं, ऐसे नहीं कि मन में तो खूब क्रोध आ रहा हो लेकिन बाहर व्यक्त न करे, अथवा तो वचनों से जब मौका पड़ गया तब बता दिया, बाकी समय चुप रह गए, औरों के सामने कोई प्रकार का व्यवहार, किसी के सामने कोई प्रकार का व्यवहार, तो क्या ऐसा नहीं है। ये जो क्षमा है ये उत्तम क्षमा है, मतलब सम्यक्त्व के साथ है, जिसको सम्यक्त्व है उसको 7 तत्वों का बहुत खूब अच्छा निर्णय है, और क्रोधादि जो है वो तो आश्रव है, आश्रव छोड़ने लायक है, तो फिर वो उसको क्यों रखना चाहेगा। जिस व्यक्ति के प्रति क्रोध किया हो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, नहीं करने के लिए बुद्धिपूर्वक वो क्षमा करता है, क्षमा मांगता भी है, करने की तो चर्चा अभी मार्दव धर्म में आएगी थोड़ी, कि मान कषाई जीव हो, मानी हो तो वो क्षमा जल्दी करेगा नहीं, और मानी जीव करेगा नहीं और मांगेगा भी नहीं क्षमा, और क्षमा मांगने में मान कषाय का अभाव चाहिए, क्षमा करने के लिए क्रोध का अभाव चाहिए। अब दोनों तरीके से खूब है। देखिए आगे, उत्तम क्षमा 3 लोक में सार है। उत्तम क्षमा संसार समुद्र से तारने वाली है, रत्नत्रय को धारण कराने वाली है, दुर्गति के दुखों को हरने वाली है। जिसके उत्तम क्षमा होती है उसका नरक तिर्यंच दोनों गतियों में गमन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? एक क्षमा के कारण बस हो जाएगा काम, कि वो एक क्षमा नहीं है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। देखो, हम चाहें तो एक उत्तम क्षमा पे ही हम 4 कषाय भी घटा सकते हैं। जैसे क्रोध के अभाव का नाम तो क्षमा है ही, लेकिन मान के अभाव में भी क्षमा धर्म प्रकट होता है,
मायाचार के अभाव में भी क्षमा होती है और लोभ के अभाव में भी क्षमा होती है। ये तो मुख्यता की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि क्रोध के अभाव में क्षमा, मान कषाय के अभाव में मार्दव, और फिर उसके अभाव में आर्जव, और फिर लोभ के अभाव में शौच। लेकिन ये तो मुख्यता है, बाकी जिसको उत्तम क्षमा है उसके सिर्फ क्रोध थोड़ी गया, वो तो मान माया लोभ चारों ही हर लेवल एक लेवल से चारों का ही अभाव हुआ है। अब जिसको क्रोध गया तो उतना मान भी गया है, उतना मायाचार भी नहीं है, तो वो क्षमा मांगने में भी छल नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहेगा यदि मुझसे गलती हुई हो तो माफ करना। अभी यदि क्या होता है, स्वयं अपनी गलती जानो और क्षमा मांगो। यदि मतलब तो ऐसा हो गया जैसे वो सामने वाला हिसाब लगाए कि तुमने बताओ क्या गलती की, हाँ ठीक है ये गलती हुई थी, चलो जाओ माफ किया। तो ये तो छल वाली मायाचार से ही क्षमा हो गई, माने हम क्षमा मांगना तो नहीं चाहते, बस कंडीशन लगा दी। क्षमा कभी भी कंडीशंस के साथ नहीं होती। यदि मैंने गलती की हो और फिर वो जाने अनजाने में, अब उधर भी गड़बड़ है, जान करके क्षमा क्या करना, वो तो अपराध ही था, उसका तो दंड मिलेगा। और अनजाने में हो गया तो जब मुझे ही नहीं पता मैंने क्या गलती की तो मैं क्षमा कैसे मांगू, मुझे पहले विचारना चाहिए क्या गलती की थी। तो जाने अनजाने के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां मेरे से अनजाने में हुई थी, आज मुझे वो ख्याल में आया कि ये मेरे से गलती हुई इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन वो क्षमा अपना पाठ कहो अथवा प्रतिक्रमण कहो, तो हम तो ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन उत्तम क्षमा जिसके होती है उसके तो बहुत बहुत सारे गुण बताए, कह रहे नरक तिर्यंश में गमन नहीं करता, फिर उत्तम क्षमा के साथ अनेक गुणों का समूह प्रकट होता है। मुनिराजों को तो अति प्यारी उत्तम क्षमा ही है, खूब परिश्रम आते हैं तो वो जीतते हैं। अब क्षण क्षण में क्रोध के प्रसंग बन सकते हैं, चाहे तो क्रोध करे चाहे तो कषाय हो, नहीं तो वे तो अपने मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध के प्रसंग सिर्फ हमारे ही आजू बाजू बनते हैं, क्रोध के प्रसंग तो कहीं भी बन सकते हैं। यदि अंतरंग में क्रोध हो तो किसी पर भी क्रोध आ जाए, अंतरंग में क्रोध नहीं है तो नरक में रहते हुए भी उसको अनंत अनुबंधी क्रोध नहीं होता। अभी अनंत अनुबंधी क्रोध तो पता होगा अपने को, बहुत बार आ चुकी है चर्चा, ये सब चार प्रकार के क्रोध, क्रोध में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, जिसके जितना गया उसके उतनी उत्तम क्षमा। आगे देखिए, उत्तम क्षमा की प्राप्ति तो ज्ञानी जन तो उत्तम क्षमा की प्राप्ति को ज्ञानी जन तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान लाभ मानते हैं। अब हम यदि क्रोध करें तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमने जैसे कोई रत्न फेंक दिया, हमें तो ऐसा इसमें क्या है, जो जैसा है उसके साथ वैसा करेंगे, और फिर क्रोध थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, नहीं तो काम थोड़ी होता है उसके बिना, लोग सुनते नहीं है मानते नहीं है, और यदि हम क्रोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम थोड़ी मुनिराज बन गए, हमने थोड़ी दीक्षा ले ली, हमने थोड़ी कोई त्याग कर दिया। तो यहाँ तो कह रहे कि जिसको उत्तम क्षमा होती है उसको तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति जैसा लगता है, उसको ऐसा लगता है मैं बच गया विकारों से, मैं बच गया ये कर्म के उदय के प्रभाव में, मैं बहा नहीं, मैं उससे भिन्न रहा। उत्तम क्षमा ही मन की उज्ज्वलता करती है, क्षमा गुण के बिना मन की उज्ज्वलता तथा स्थिरता कभी नहीं होती है। वांछित अभिप्राय की सिद्धि करने वाली एक उत्तम क्षमा, वांछित अभिप्राय मतलब कि जो जो मुझे सुख सुखी होने के लिए जो कुछ भी उपाय मैं कर रहा हूँ वो मेरी इच्छा है, उसकी सिद्धि तो कह रहे एक उत्तम क्षमा द्वारा होगी। अच्छा वो तो परमार्थ सुख तो चलो ठीक है, लौकिक में भी क्षमा द्वारा जो काम होगा वो क्रोध द्वारा नहीं होगा। गांधी जी जब सत्याग्रह इत्यादि के लिए लड़ने जाते थे, अथवा लड़ने तो क्या उनकी तो लड़ाई अलग ही थी, लेकिन जब भी ऐसा प्रसंग बनता था तो वे इस बात पे भजन दिया करते थे कि सामने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। आप जबरदस्ती कुछ करा लोगे तो थोड़े दिन के लिए तो वो कर लेगा, फिर वापस वहीं का वहीं, लेकिन हृदय परिवर्तन होने पर वो हमेशा के लिए अपना हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि उसको खुद को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति सही कार्य कर रहा है, अथवा ये सही कह रहे थे। अब
अब उत्तम क्षमा क्षमा करने पर अब इसमें तो बहुत प्रैक्टिकल है। देखो अपने साथ जब भी कोई प्रसंग बनता है, घर में कोई नौकर है, कहीं कुछ है, काम तो गड़बड़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी हमारे द्वारा कभी किसी और के द्वारा। अब क्रोध तो आएगा, लेकिन हमें जीतने के लिए क्या क्या उपाय है यहाँ तो अभी आगे लिखा ही रहे, लेकिन एक सबसे बड़ा ये सोचना चाहिए कि मुझे उस व्यक्ति से द्वेष है या ये काम ऐसा हो रहा है इसलिए द्वेष है। यदि काम बिगड़ गया और इसलिए मुझे तकलीफ है, तो फिर मैं क्या मेरी ऐसी हिम्मत है कि मैं इसी प्रकार का क्रोध हर किसी पे करता कि यदि उससे काम बिगड़ जाए तो मैं हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसे ही व्यवहार करता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे उस व्यक्ति से द्वेष था। अब वो व्यक्ति कोई भी काम करेगा, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ उसमें से गड़बड़ दिखेगी, क्योंकि मुझे उससे द्वेष है। और यदि व्यक्ति से राग हो तो वो कुछ भी करे हमें तो अच्छा ही लगता है कि कुछ भी कर, माने वो पाप करे तो भी अच्छा, वो धर्म करे तो भी ठीक, पुण्य करे तो भी ठीक, क्योंकि हमें तो उसके सारे काम अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोध में एक तो सबसे बड़ा होमवर्क यही है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि इसका नाम क्रोध है और इसका नाम क्षमा है। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक सब गड़बड़ होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं, विषय बहुत अच्छा आ रहा है। क्रोध को जीतने का उपाय। क्रोध को जीतने की विधि इस प्रकार है, कोई आपको दुर्वचन आदि कहकर गाली दुखी करे, गाली दे, चोर कहे, अन्यायी, पापी, दुराचारी, दुष्ट, नीच, दोगला, चांडाल, अभी तो लगाते जाएंगे अपन तो जितने और बुरे बुरे शब्द दुनिया में, जो जो हमें बुरे लगते हैं। शब्द तो कोई बुरे नहीं होते, समय सार ग्रंथ में तो कुनकुंदाचार्य ने गाथाएं लिखी है कि ये शब्द तुझसे नहीं कहते कि तू हमें सुन, लेकिन फिर भी तू इन शब्दों के पीछे क्यों पड़ता है, क्यों इनके आवेश में अथवा इनसे राग द्वेष क्यों करता है। वो तो नहीं कहते कि हमें सुनो, और वो शब्दों में अच्छा बुरा कुछ नहीं है। फिर वही बात कि हमें उस व्यक्ति से द्वेष होता है, इसलिए वो कभी कभी प्रशंसा भी कर रहा हो तो भी हम उसमें से गलत अभिप्राय धारण कर लेंगे, और व्यक्ति से राग होगा तो वो क्रोध भी करेगा तो भी हमें ऐसा लगेगा कि मानो ये सही कर रहे, अच्छा हुआ आज इतना डांट लगाई, आज इतना टोक दिया, आज इतनी बातें बताई। तो इसका मतलब तो ये हुआ, बातों से हमें कोई लेना देना ही नहीं था, हम तो व्यक्ति से राग द्वेष कर रहे थे। अच्छा, तो फिर उसको कैसे दूर करना, कि वहां भी वही है कि उस व्यक्ति के प्रति द्वेष क्यों है, राग क्यों है। यहाँ क्रोध का प्रसंग है इसलिए द्वेष की बात करेंगे, उसने मेरा क्या बुरा किया। तो यहाँ तो कह रहे यदि कोई ऐसा दुर्वचन कहकर दुखी करे, करना चाहे, तो दुर्वचन में तो बहुत है, और फिर उसमें भी कंडीशंस लगाते जाएंगे अपन तो, कि सबके सामने बोल दिया, 100 लोगों के सामने बोल दे, 1000 लोगों के सामने बोल दे, सोशल मीडिया पे सबके सामने ऐसी मजाक मजाक में नहीं, सच में कुछ ऐसी सीरियस होकर के बोल दे, बोलता ही जाए तो कैसा लगेगा, कैसा क्रोध आएगा, क्यों आएगा, ऐसा करने पर क्या बुरा हो गया। अब दुनिया तो इसको पचा नहीं पाती, दुनिया को तो बहुत तकलीफ होती है, एक चीज थोड़ी आगे पीछे कुछ हो जाए तो सबका क्रोध खूब खुलकर आता है। लेकिन यहाँ तो कह रहे अनेक दुर्वचन कहे कृतघ्नि। कृतघ्नि क्या होता है, कि हमारे ऊपर किसी का उपकार हो और हम उसको याद ना करें, नहीं ये तो सब मैंने अपने हिसाब से किया है, किसी ने मुझे कोई हेल्प नहीं की, मैं खुद ही सब करते आ रहा हूँ कब से, आज तक किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, और जब गुरुओं का उपकार स्मरण की बात आई तब भी ऐसे बोले कि उसमें गुरु क्या कर सकते हैं, वो तो निमित्त थे, मेरा उपादान था इसलिए मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोलिए कृतघ्नि है। अब इसको कहते हैं कृतज्ञता। अब हमें कोई ऐसा कृतघ्नि कहे जबकि हमने वे सारे कार्य कुछ किए नहीं हो, तो ज्ञानी को ऐसा विचार करना चाहिए, मैंने इसका अपराध किया है या नहीं किया, एक पॉइंट। फिर उसमें से कह रहे यदि मैंने इसका अपराध किया है तथा राग द्वेष मोह के वश होकर किसी बात से इसका चित्त दुखाया है तो मैं अपराधी हूं, मुझे गाली देना, नीच, चोर, कपटी, अधर्मी कहना न्याय है, कुछ गलत नहीं किया उसने, कमी थी तो कमी बता रहा है वो मेरी, गलत किया तो उसको पॉइंट आउट करके बता रहा है,
अब उसमें मुझे क्या लेना देना कि वो मेरे को अकेले आके बोल रहा है या सबके सामने बोल रहा है। मेरा कार्य तो यह है कि यदि मैंने अपराध किया है तो उसका वो सारा कहना न्याय है। अभी तो वो सिर्फ बोल ही रहा है और कुछ किया ही नहीं है। अभी तो यहाँ और आगे लिखेंगे, देखो आगे पढ़ता हूँ। मुझे इससे अधिक दंड देता तो भी ठीक था, मैंने अपराध किया है, अब मुझे गाली सुनकर क्रोध नहीं करना ही उचित है। अपराधी को नरक में भी दंड भोगना पड़ता है, मेरे निमित्त से इसको दुख हुआ है, तब दुखी होकर दुर्वचन कह रहा है। यो कितनी करुणा आती है, जो दुर्वचन कह रहा है उसके प्रति क्रोध करना तो बहुत दूर, उसके ऊपर करुणा आ रही है। बोले ये मेरे कारण से दुखी हुआ है बेचारा, आज मेरे कारण से इसको इतना क्रोध आ रहा है। यदि आज ये कोई बुरे शब्द मेरे बारे में कह भी रहा है तो मेरे निमित्त से आज वो दुखी हो रहा है। वो क्रोध करते समय जो उसको दुख हुआ ना, वो मेरे निमित्त से हुआ। ऐसा विचार कर दुखी ना होकर क्षमा ही करता है। अब क्षमा करना मतलब ऐसा नहीं कि जाओ माफ कर दिया, क्षमा करना माने हमारे अंतरंग में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई ऐसा लेकर के नहीं बैठ जाएंगे कि इसने मेरे को ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा बोला था, इसने मेरे से उस दिन ऐसा कहा था, इसने मेरी ये बात नहीं मानी और इसने सबके सामने ऐसा कर दिया। तो बोले ये उसी समय वो क्षमा करता है और उसको वो खत्म हो जाता है अकाउंट, वहीं पे याद भी नहीं रहता बाद में भविष्य में। देखो आगे, यदि दुर्वचन कहने वाला मंद कसाई हो तो आप जाकर उससे क्षमा मांग कर उसे क्षमा ग्रहण करने को कहे। वो दुर्वचन कह रहा है और लेकिन हमें पता है कि वो मंद कसाई है अथवा परिचित व्यक्ति है, तो कह रहे हम जाकर के क्षमा मांगे और क्षमा ग्रहण करने को कहे। कि क्या कहे कि हे कृपालु मैं अज्ञानी हूं, कृपालु मतलब हे दया के पात्र निधान, माने तुम तो दया कर सकते हो, तुम मेरे ऊपर कृपा करो। एक कृपालु निद्रालु जहां जहां आलुच ऐसा आ जाता है माने उससे युक्त। तो हे कृपालु मैं अज्ञानी हूं, मैंने प्रमाद व कषाय के वश होकर आपका चित्त दुखाया है। एक बार दुनिया में कभी कोई ऐसा प्रसंग बने और हम ऐसे शब्द बोल के भी देखेंगे ना, तो सामने वाले को आश्चर्य लगेगा, ये क्या बोल रहा है, ये ऐसा तो कभी मैंने देखा ही नहीं। ये जंगल में मुनि राजो को देख करके पशु शांत कैसे हो जाते हैं। वो राजा श्रेणिक ने मुनि राज पे जंगली कुत्ते 500 जंगली कुत्ते छुड़वा दिए थे और वे दौड़े दौड़े पहुंचे मुनिराज के पास, और जैसे ही पहुंचे तो सब शांत हो जाते हैं। ये हो कैसे जाता है, उनको सबको आश्चर्य लगता है। बोले आज तक तो मुझे देख देख के हर कोई भाग जाता है, जंगल का हर प्राणी भागता है, मनुष्य भागते हैं, बिल्ली भागती है, सब भागते हैं। ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसे व्यक्ति है कि जो मुझे देख करके भी क्रोध नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, कुछ कुछ नहीं कर रहे, शांति से बैठे हैं। इसलिए फिर वो भजन की लाइन, भजन तो के पाठ है, एक स्तुति है मुनिराजों के लिए कि जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। तो यहाँ तो कह रहे कि मैंने आपका चित्त दुखाया है, अतः अब मैं अपने अपराध की माफी चाहता हूँ, भविष्य में ऐसा कार्य भूल कर भी नहीं करूंगा। भूल कर भी, जानबूझ करके तो करूंगा ही नहीं, गलती से भी गलती नहीं होगी। एक बार किसी से भूल हो जाए तो बड़े लोग उसे माफ कर देते हैं। तो वो क्या माफी मांग रहा है इस बहाने की, नहीं नहीं वो सामने वाले व्यक्ति को बड़ा बताना चाह रहा है। वो कह रहा है आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, मुझसे गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करो। अब कोई बोले कि तो फिर ये दीनता नहीं हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा अति नहीं हो गई, बहुत दीनहीन होकर के बातें करने लग जाएंगे फिर तो, कि नहीं दीनता में और इस सरलता में अंतर है। एक होता है भोलापन और एक होता है सरलता, इन दोनों में बहुत अंतर है। पंड साहब ऐसा कहते हैं कि सरल बनो, भोला नहीं। अब ये हमने पहले ही कंडीशन लगा दी ना कि कोई दुर्वचन कहने वाला मंद कषाई हो तो वो हमारी मजाक नहीं उड़ाएगा, वो इस दीनता वाले वचनों का अथवा इस बहुत बहुत अभिमान रहित वचनों का फायदा नहीं उठाएगा, वो समझ जाएगा, वो हमारे अभिप्राय को समझेगा,
और फिर वो माफ भी कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वही यदि तीव्र कसाई है तो फिर थोड़ा मध्यस्थ रह करके वो जो करता है सो करने दो। अभी देखो, अभी आगे लिख रहे हैं, एक बार किसी से भूल हो जाए तो बड़े लोग उसे माफ कर देते हैं, यदि सामने वाला न्याय रही तीव्र कसाई हो तो उसके पास अपराध माफ कराने नहीं जाए, कालांतर में उसका क्रोध उपशांत होने के पश्चात क्षमा मांगे। इसलिए भोला बनने की बात नहीं कि देखो देखो लिखा क्षमा मांगना चाहिए, इसलिए अपन तो भैया पहले ही झुक जाओ सामने सबके, कि नहीं ऐसे ही सबके सामने कहीं भी नहीं, देख करके विचार करके बहुत बहुत विवेक चाहिए, अब समझना चाहिए, और फिर उसमें कहीं भी हम अपने क्रोध का पोषण नहीं करें, और ये एक कंडीशन है, हम किसी भी कीमत पे क्रोध को छिपाए नहीं या बढ़ाने के लिए लॉजिक नहीं लगाए, बढ़ाने के लिए आर्ग्यूमेंट्स ना दे तो सब बराबर, उसको जीतने के लिए जो किया जाएगा फिर सब बराबर। चलिए एक और थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, फिर बाकी अर्थ बाद में होगा। यदि आपने अपराध किया नहीं हो किंतु ईर्ष्या भाव से व केवल दुष्टता से आपको दुर्वचन कहता है तथा अनेक दोष लगाता है तो ज्ञानी कुछ भी संक्लेश नहीं करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कह रहे करते ही नहीं है ज्ञानी जी, किंतु इस प्रकार विचार करे, यदि मैंने इसका धन हरण किया हो, जमीन जगह छीनी हो, इसकी जीविका बिगाड़ी हो, चुगली खाई हो, इसके दोष कहकर मैंने अपराध किया हो तो मुझे पश्चाताप करना उचित है, यदि मैंने इसका अपराध नहीं किया है तो मुझे कुछ भी फिक्र नहीं करना। मैंने बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, यदि मैंने किसी का बुरा किया है तो वो जो करे सब सही, यदि मैंने बुरा नहीं किया है तो भी वो जो करे सब सही, मैंने उसमें मुझे क्या लेना देना वो क्या कर रहा है क्या नहीं। जिस प्रकार लोक में कोई पागल व्यक्ति हमसे टकरा जाए, वो हमसे रस्ते में भला बुरा सबके सामने बोल के चला जाए, न तो हमें बुरा लगता है न हमारे साथ वाला को कुछ ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कितना खराब है, वो व्यक्ति इसके बारे में पता नहीं कैसा कैसा बोल रहा था, सबको पता है कि वो पागल व्यक्ति है, वो उसके बोलने की आदत है, तो वो हमारे बारे में सबके सामने भी कुछ बोल दे तो भी हमें तकलीफ नहीं होती। बस इतना ही तो विचार ना कि वो जो बोल रहा है वो बेचारा भूला हुआ है, उसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए वो इस प्रकार के परिणाम कर रहा है, जब उसको समझ में आएगा उस समय उसका क्रोध अपने आप शांत होगा। अब ऐसा बहुत अच्छा तरीका, इधर वेद विज्ञान के बहुत और उपाय बताए हैं, अभी आगे की चर्चा अपना समय तो हो गया, बाकी चर्चा अपन आगे करेंगे, कल हो जाएगी, सुलभ भैया आगे क्लास लेंगे तो चर्चा चलेगी आगे, बहुत सुंदर प्रकरण है, 10 लक्षण आते आते तक ये पूरा हो जाएगा आराम से। अभी कोई प्रश्न नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति कर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नौ बार नमो कर मंत्र।